और यही तो है कराची वाली बिरयानी, कराची बिरयानी। थैंक यू, आप मेरी हेल्प इतनी कर रहे हैं। मुझे ये घर में करते हैं जब आप एक्सपर्ट होते हैं ना तो फिर ऐसी बातें होती हैं। कुछ चीजें बहुत ज्यादा आसान होती है, नहीं एक्सपर्ट की बात नहीं है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा आसान होती है। सब बहुत आसान है, मुझसे पूछो ना। ये मेरे लिए है, पक्की बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ फरा मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग सब? और मेरे साथ हैं तैमूर जुनेद जमशेद। अस्सलाम वालेकुम फरा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद हम लोग लेकर आए हैं जज़ा कुक बुक सीजन 3। जिस तरह सीजन 1 सीजन 2 में हमारा हर दफा एक एपिसोड में सरप्राइज रिवील हुआ था, कौन से हमारे साथ सेलिब्रिटीज होंगे, कौन से हमारे साथ नए फेसेस होंगे, तो इस दफा भी जो है हर एपिसोड के साथ न्यू फेस, न्यू रेसिपीज एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी गपशप। बिल्कुल होगी और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम जब यहाँ पे मैं और तैमूर होते हैं सेट पे तो कुकिंग तो होती ही होती है, लेकिन साथ में बहुत सारी बातें भी होती हैं। तो आज की जो रेसिपी है ना, वो मैं तो आपको बताऊँ तैमूर, ये तो कराची वाले, पाकिस्तान वाले, पूरी दुनिया में जो है ये बहुत मशहूर है और हर जगह खाई जाती है। आप बताएं, गैस करें क्या बनने वाला है? क्या बनाने लगे? ये लग तो मुझे ऐसा रहा है कि कुछ हम कराची की कुछ फेमस डिश बनाने लगे। बहुत ज्यादा फेमस है, कराची की फेमस है, पूरे वर्ल्ड की फेमस है। आप जहाँ जाए आप बस कहते हैं ये क्यों नहीं है, हम बना रहे कराची बिरयानी। ओ वाओ, ये देखो भाई, ये तो कराची की स्पेशलिटी है और कराची वालों के दिल के बहुत ज्यादा करीब है। ऐसा ही है, सबको बहुत अच्छी लगती है। आप कहीं भी चले जाओ कराची में, आपको बिरयानी तो हमेशा मिलेगी। आप भी ट्रेवल करते हैं, मैं भी पाकिस्तान में ट्रेवल करती हूँ, लोग कहते हैं यार कराची बिरयानी बनाना सिखा दो, तो जज़ा फूड ने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं आपको बताऊंगी कराची बिरयानी कैसे बनती है और अब हर घर में बनने वाली है। क्या बात है जी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम कराची बिरयानी, जो कि बड़ी मज़ेदार होगी, चटखारेदार होगी। स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना, और हमने सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। जज़ा का मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट मुझे दे दीजिए जी। हम ये ऐड करेंगे इसमें फुल भर के 1 टेबल स्पून, ठीक है? अच्छा वैसे तैमूर, बिरयानी जब बनती है ना सारी चीज़ें अपनी जगह, एक बिरयानी का मसाला जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड राइस ऑफ कोर्स, है ना, राइस खिले खिले और बिरयानी का जो मसाला है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, सारे स्पाइस बिल्कुल बराबर होने चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। हाँ, हमने स्पेशल कराची के टेस्ट के हिसाब से जो है ना इसको थोड़ा फीका भी रखा है। हाँ तो हम खाते ना स्पाइसी खाना खाते हैं, हमें तो ये पसंद। बहुत दफा इतनी रिक्वेस्ट आई है कि कराची की बिरयानी आपने खिलाई लेकिन वो इनफ तीखी नहीं थी, तीखी नहीं थी, वो थोड़ा सा स्पाइस कम थे उसमें, तो ऐसा लग रहा था कि वो जबान पे ना वो मिर्ची का जो तेजपन नहीं आ रहा था, ये वाली शिकायत होती है। तो इस वजह से हमने फिर इसमें तो तीखापन डाला। सही, इस फॉर्मुलेशन को पूरा हमने बेस किया कि आपको ऐसा लगे कि आप कराची ही बिरयानी खा रहे हो, चाहे आप कहीं पे बैठे हो जी, दुनिया के किसी भी शहर में बैठे हो, पाकिस्तान के किसी भी जगह पे बैठे हो, तो आप कराची बिरयानी खा सकते हैं। अच्छा कराची बिरयानी की खास बात है, एक तो इसका जायका और जिसे आपने बताया कि वो स्पाइसी होती है, सेकंड ये वो जो होता है तह वाली बिरयानी होती है। बहुत ही आसान तरीका है, अब आप जो है order.jazaglobal.com पे जाएं और वहाँ आपको पूरी जज़ा की रेंज मिलेगी, जिसमें कराची बिरयानी भी है और बहुत सारे हमारे मसाले भी हैं, फूड प्रोडक्ट्स भी हैं। एंड अगर आपको जज़ा राइस से बनाना है, जो मैं देख रहा हूँ ये जरा बहुत खिला खिला है, मैं आपको इसका बॉईल का तरीका भी बता देती हूँ। एक एक दाना देखें, ये मेरे हाथ में आ रहा है, ये मैंने इसको बॉईल कर दिया और इसका दाना देखें, एक एक तो एक जो है ना लॉन्ग ग्रेन जो है, हाँ ये यही बात तो है कि कितना जबरदस्त। तो अगर तो आपको लॉन्ग ग्रेन के साथ जो है बिरयानी बनानी है तो वो आप जो है सेम order.jazaglobal.com से राइस भी ऑर्डर कर सकते हैं, रेसिपी भी ऑर्डर कर सकते हैं, एंड ऑन द गो आपकी रेसिपी बिरयानी तैयार। जब भी हम बिरयानी बनाते हैं इसके भिगोने के टाइम से लेके बॉइलिंग पॉइंट से लेकर और फिर इसको स्टीम देना, ये सारी तीनों चीज़ें जो वो काउंट करती है बिरयानी के लिए। ऑफ कोर्स, ठीक है, ये बिरयानी के लिए। अब यहाँ पर हमारा जो सोक टाइम है, उसका भिगोने का टाइम है, वो 15 से 20 मिनट का है। हमने पानी को बॉईल किया तो हमने आयोडाइज सॉल्ट जज़ा का ऐड किया, जब इसका बॉईल आने लगा तो हमने जो सोक किए थे अपने राइस उसको हमने ऐड कर दिए, और हमने पकाना भी ज़्यादा देर नहीं है, हमने 7 से 8 मिनट बनाना है, क्योंकि हमने वो दम पे जी दम पे बनेगा, एक कनी जिसे कहते हैं ना हाफ डन होता है, वो हमने राइस पकाना है और फिर हमने इसको छान के रख दिया। बोल रही है, बस बोल रही है कि मुझे निकालो इसको आप साइड कर दें। थैंक यू, आप मेरी हेल्प इतनी कर रहे हैं, मुझे ये घर में करते हैं काम।
पिछली दफा यही सबसे ज्यादा कंप्लेन घर से आई थी कि इतनी रेसिपी सीख कर आए हो, एक दफा भी घर पे नहीं बनाया। नहीं बनाए। अब मुझे पता है कि अच्छा बिरयानी का असल में मुझे शौक भी है और मैंने बनाई भी है, तो इसलिए आपने मैंने कोशिश करी है, आप समझिए कोशिश करी है, तो इसलिए मेरा ज्यादा इंटरेस्ट भी है क्योंकि एक ऐसी चीज है जो मैं समझता हूँ कि जो स्पेशली कराची वाले उनके लिए एक बहुत बहुत ही अच्छी, हम जहाँ भी चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जजा के फ्राइड अनियन, और ये देखिए प्याज आपने काटो फिर फ्राई करो, इससे बेहतर है कि आप ये ले लें और बहुत अच्छी जल्दी से ये हम जिसे कहते हैं ना भुन जाती है, ये मेल्ट हो जाती है। इसकी ख़ास चीज़ ये है कि ये ग्रेवी में बहुत जल्दी ये ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बनती है। मैंने ऐड कर दी इसके अंदर चिकन में और अब मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। ये हमारे पास तकरीबन यहाँ मेरे पास है 1 किलो के करीब मेरे पास चिकन है, तो मैंने इसमें 5 अदद टमाटर को स्लाइस काट लिया है, जिस तरह से आप इसको काटना चाहते हैं, चॉप करना चाहते हैं इसको चॉप कर लें, बस मकसद है हम इसको गलाना सही, इसकी ग्रेवी बनाना हमारा मकसद यही है। टमाटर जो है हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं, अब हम इसमें इसको साइड कर दें, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ जजा कराची बिरयानी मसाला, बहुत अच्छी खुशबू है, इसको पूरा मैं ऐड कर दूँगी। ये मेरे पास एक पैकेट है और इसके साथ ही मैं दही ऐड कर दूँगी इसमें, ठीक है। दही मैं शामिल करूँगी इसमें 4 टेबल स्पून, ठीक है, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। और इसको बस हमने मसाले को भून लेना है इतनी सी देर, 4 टेबल स्पून ये इसके अंदर गई। अच्छा मैंने जजा की बम्बई बिरयानी मैंने ट्राई किया, बहुत ज़बरदस्त, और कराची बिरयानी की तो क्या बात है, मैं बिल्कुल इसको ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने चाहा कि मैं सबको सिखाऊं। इसके अलावा कौन कौन सी बिरयानी है हमारे पास? हमारे पास जो है जजा में 6 किस्म की डिफरेंट टाइप्स की बिरयानी है, जिसमें से ऑब्वियसली कराची बिरयानी है हमारी, एंड देन हमारे पास बम्बई बिरयानी है, फिर हमारे पास चिकन बिरयानी है, बिरयानी मसाला है, ऑथेंटिक सिंधी बिरयानी और बीफ देगी बिरयानी। पर इसको कवर करने अभी हमने नहीं, ऑलमोस्ट ये डन है, ठीक है। जितना भी ऑयल था ये ऊपर देखिए इसकी ये इसका इस तरह से ऑयल ऊपर आएगा तो ये हमारा मसाला तैयार है। राइस इसके अंदर ऐड करूंगी और राइस के अंदर भी कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी, वो बताऊंगी मैं, मेरे हाथ बिल्कुल साफ है मैं इसको डाल देती हूँ। इसी तरह से ऐड किया जाता है इसके ऊपर, जिसके मैंने आपको बताया कि मैं आपको तय वाली बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, यहाँ पर मेरे पास येलो फूड कलर है वो मेरे पास रखा हुआ है, मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये वाला येलो फूड कलर स्पून से। देखिए मैं किस तरह से इसको ऐड करी, बिल्कुल ज़रा सा इसमें कलर बहुत अच्छा आता है, जैसे आपने देखा होगा कलर बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा बिरयानी के अंदर कलर आता है। केवड़ा वाटर ये बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में से, एक अच्छी सी खुशबू आती है बिरयानी की जो आप चाहते हैं कि पूरे घर में फैल जाए। ये मैंने थोड़ा सा डाला 1 टीस्पून के बराबर, हम बता सकते थे प्रॉपरली कि क्या इस वक्त पूरे सेट पे जो है हाँ माहौल है। ये हमारी बिरयानी जो है अब ये हमने दम पे लगा दी है, थोड़ा सा स्मोक आएगा धुआं आएगा तो खिले खिले राइस हो जाएंगे और मजीद ज्यादा। तो जब तक हम चलते हैं अपने कस्टर्ड की तरफ, बिरयानी और मीठा ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सोच रहा था कि इतने चटपटे रेसिपी और इतने चटपटी बिरयानी के बाद स्वीट डिश का तो अलग ही मजा होता है, अलग ही मजा होता है। तो हम फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं और क्या बात है, दावत मेन्यू मैंने बना दिया ना, देखिए ना दावत हो गई, ये तो आप कराची बिरयानी बनाएंगे कस्टर्ड बनाएंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। जी मिल्क दे दें, मैं मिल्क बॉइल करूँ फिर हम कस्टर्ड बनाते हैं। दावत ही है, बिल्कुल दावत है, बिरयानी स्वीट डिश भी बन रही है और बहुत आसान भी है, कस्टर्ड बनाना बहुत ही आसान है। हाँ, इसको कोई इतना जब आप एक्सपर्ट होते ना तो फिर ऐसी बातें होती हैं। कुछ चीजें बहुत ज्यादा आसान होती है, नहीं एक्सपर्ट की बात नहीं है, कुछ चीजें बहुत आसान होती है, सब बहुत आसान है, मुझसे पूछो ना आसानी से सिखाया जाए तो हर चीज आसान हो जाती है। ये है बिल्कुल। अच्छा मुझे शुगर दे दीजिए, ठीक है, हम शुगर इसके अंदर ऐड करेंगे जितना मीठा आपको चाहिए। अगर आपके पास 1 लीटर आपके पास मिल्क है तो आप 3 टेबल स्पून इसके अंदर परफेक्ट होता है मीठा, आप इसके अंदर ऐड कर लें, सही है। अच्छा हमारे पास मैं यहाँ पर जजा का मैंगो कस्टर्ड में यहाँ पे यूज कर रही हूँ, वैसे हमारे पास कौन कौन से फ्लेवर है इसमें? हमारे पास सारा मैंगो कस्टर्ड है, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है एंड वनीला कस्टर्ड, सारी वैरायटी है हमारे पास, सब जो सब फ्लेवर्स हैं, ताकि किसी को जिस मूड में, अब जैसे बच्चों को जो है मैंगो पसंद होता है और उसका हर वक्त सीजन नहीं होता, लेकिन उससे जो है आप मैंगो के सीजन के बगैर भी मैंगो कस्टर्ड बना सकते हैं। अच्छा मैंने जजा का मैंगो कस्टर्ड इसमें मैंने डिसॉल्व कर लिया है, अब मैं इसमें मिल्क में ऐड करूंगी और उसको हमने पकाना है जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। सारा मुझे लग रहा है कि बिरयानी कुछ बोल रही है, बिरयानी बोल रही है, बिरयानी कह रही जल्दी से मुझे टेस्ट करो, मैं बहुत अच्छी बनी हूँ, और इसका देखते हैं कि धुआं जो मजेदार वाला होता है ना, वाओ वेरी नाइस, ये देखिए
काश आप लोगों को बता सकते थे क्या स्मेल आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी और ये तो इतना गर्म हो गया है कि मैं खुद ही इसको यहाँ रख देती हूँ। कस्टर्ड हमारा तैयार है और कस्टर्ड में मैंने क्या करूँगी, जब ये अच्छा सा थोड़ा सा थिक फॉर्म में आ जाएगा तो मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम जो है नॉर्मली वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और फिर इसको ठंडा करूंगी और फ्रूट्स ऐड करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह से गार्निश करना है, किस तरह से सेट करना है, तो फिर आप देखिएगा। लेकिन अभी तो मैं बिरयानी को एंजॉय करूँ इसकी खुशबू को, उसको डिश आउट करते हैं। तैमूर मुझे वो डिश दे दे, मैं इसके अंदर निकालूं बिरयानी। अब तो मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। ये आ गई आपकी डिश। अब आपको थोड़ा पकड़ना होगा इसको, ऊपर रखें, अब इसको निकालो। उसको देखिए तरीका क्या है निकालने का, आपको उसको नीचे से निकालना है। जब भी तो तह वाली बिरयानी बनेगी ऐसे ही मिक्स करेंगे उसको, मिक्स नहीं करेंगे। अच्छा, हमने तह वाली बिरयानी है, तह वाली बिरयानी है, हमने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। मसाला अलग, उसके राइस अलग, थोड़ा सा करीब कर दें। ये देखें इसका, ये क्या मसाला, ये देखें कमाल की बिरयानी हमारी, डबल कलर हमारा आ गया इस बिरयानी का। और यही तो है कराची वाली बिरयानी, कराची बिरयानी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, उसके कलर देखें, राइस देखें। बस जी ये मेरे लिए पक्की बात। बस हम इसको यहाँ सेट कर देते हैं थोड़ा सा, और इस तरह से हमारी तह वाली बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसको सेट करेंगे। क्या महक इसकी, खिली खिली सी बिरयानी है। आपने मसाला चाहिए आप एक साइड से ले सकते हैं, आप वाइट राइस चाहिए आप एक साइड से ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा कस्टर्ड जो था मैंगो कस्टर्ड वो तैयार हो चुका है, रेडी हो गया। उसको मैं ठंडा करूंगी और ठंडा होने के साथ साथ फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको हमने गार्निश करना है, किस तरह से हमने इसको बॉल में उसकी प्रेजेंटेशन करनी है। आज का शो जो था मुझे तो बहुत पसंद आया कि कराची बिरयानी जो बनाई है, जल्दी से क्लोज करते हैं ताकि इसको अटैक करते हैं हम, बिल्कुल करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का हमारा शो फर्स्ट एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आगे भी बहुत मजे मजे की रेसिपीज है, गेस्ट है, तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। मुझे और तैमूर को दीजिए इजाजत। हर एपिसोड में डिफरेंट फेस, डिफरेंट रेसिपी एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी गपशप। एंड इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम आपको किसी और रेसिपी के साथ, किसी और सेलिब्रिटी के साथ। ओके जी, थैंक यू, लाफिज लाफिज।